हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानीज किचन। अंडे का फंडा, चलिए अंडे के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करते हैं। फिर से एक नई डिश बनाते हैं। अंडों को हमने उबाल के छील लिया है, छील कर दो पीसेस में कट करना है। आज का हमारा वीडियो है चौपाटे स्टाइल रोस्टेड एग। आई एम श्योर नाम सुनकर चौपाटी की याद तो आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 5 मीडियम साइज टमाटर, 4 मीडियम साइज प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च। प्याज को बारीक पीसेस में कट करना है, हरी मिर्च के 2-2 पीसेस करने हैं। इन टमाटर को भी बारीक पीसेस में कट करना है। सबसे पहले हम फ्राई पैन को गर्म करेंगे, इस पे ऐड करेंगे खाने का शुद्ध घी। शुद्ध घी से टेस्ट काफी अच्छा आता है। अब इस पे जाएगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो इस पे ऐड करेंगे एग्स। लो फ्लेम पे इसे फ्राई होने दें। थोड़ी फ्लेम मीडियम करेंगे ताकि ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। वो शॉपिंग का टाइम, वो शाम का मौसम, जो पार्टी पर जाके सारे डिशेस का बनते हुए देखना, चाहे वेज हो या नॉन वेज, आप सबका एक्सपीरियंस तो होगा ही। आज वही चौपाटी वाली खुशबू, वही डिश आप अपने किचन पर बना रहे हैं। सारे पीसेस को हम पलट देंगे। देखिए हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस साइड से भी सेकेंगे। आप ऑयल एक साइड कर दीजिए सारा। फिर से फ्लेम हाई ताकि अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। अब इस पे ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। एग और काली मिर्च का अच्छा जोड़ है, अच्छा टेस्ट आता है इससे। एंड 1/2 टीस्पून एग मसाला। जो इस पे एग मसाला ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है, वो मिक्स हो जाए, इसलिए इसे फिर से पलट देंगे। इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर रोस्ट होने देंगे। अब इसे पलट के हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए अच्छी तरह ये रोस्ट हो चुका। सारे पीसेस निकाल लिए। आइए अब इसका मसाला ग्रेवी बनाते हैं। अब इस पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून खाने का ऑयल। ऑयल गरम हो जाए तो इस पे ऐड होगा जीरा। कसूरी मेथी, बारीक कटे प्याज। मेथी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है,
ऐसा लग रहा है कि मैं चौपाटी में हूँ। वाओ, ऐसा ही बनते देखा है ना। अब इस मसाले को हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये रानीस किचन की रेसिपी है। इतना ब्राउन हो जाए तो इस पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह पक गया। अब इसे कर देंगे साइड। अब ऐड करेंगे चीज, चीज के पीसेस, हरी मिर्च, टमाटर के बारीक कटे पीसेस। टमाटर पे जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, प्याज पर 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून देगी मिर्च, ये कलर के लिए है, 1 टीस्पून देगी मिर्च ये कलर के लिए है इसे मिक्स कर देंगे इस पे पानी ऐड नहीं करना है। टमाटर में पानी होता है उससे ही वो पक जाएंगे। हरी मिर्च हम एक साइड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। देखिए टमाटर पक चुके हैं। अब हम सारा इसे मिक्स कर देंगे प्याज के मसाले के साथ। अब इस पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम। ब्यूटिफुल, दैट्स मेक क्रीमी बेस। अब इस पे जाएगा बारीक कटा हरा धनिया एंड रोस्टेड एग्स। इट लुक्स यम्मी। अब इसे इसको पलट देंगे ताकि इस पे मसाला बेस चला जाए। थोड़ा मसाला इसके ऊपर डाल दीजिए। फाइव टू टेन मिनट्स इसे रखना है लो फ्लेम पर। लीजिए फ्रेंड्स, रानीस किचन का चौपाटी स्टाइल रोस्टेड एग तैयार है। लीजिए फ्रेंड्स, अब इसे प्लेट पर सर्व करते हैं। सो नाइस, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइए और अपने फ्रेंड्स एंड गेस्ट को भी खिलाइए। दैट्स इट, आई कांट जस्ट वेट, आई वांट टू टेस्ट दिस ब्यूटी। वाओ, इस पे डालेंगे चाट मसाला, नींबू का रस।